तो अगर प्रीवियस लेक्चर में रिव्यू करूं तो देख सकते हैं हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया हुआ है। ओके, तो हमने कुछ क्वेश्चंस, स्पेसिफिक क्वेश्चंस डिस्कस किए। उसके बाद हमने ये कॉन्सेप्ट देखा कि ऑब्जेक्ट इनसाइड अ रोटर या फिर सिलेंड्रिकल जो डेथ वेल होता है या फिर नॉर्मल जो डेथ वेल होते हैं, उन सब के कैटेगरी वाइज हमने डिस्कशन किया, कैसे उनकी इक्वेशन बनेगी, फ्रिक्शन का क्या रोल है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। फिर हमने व्हीकल एक सर्कुलर पाथ पे टर्न होता है तो वो कैसे ओवर टर्न होने की पॉसिबिलिटी है, उसे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सारी सिचुएशन हमने डिस्कस की थी। फिर हमने देखा था कि ओवर टर्न से बचने के लिए एक टू व्हीलर जो भी है, साइकिल या फिर बाइक, वो कैसे अवॉइड करता है ओवर टर्निंग को, वो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट हमने डिस्कस किया कि वो ओवर टर्निंग को अवॉइड करने के लिए क्या करता है। और वो टर्निंग एंगल भी हमने देखा, ये एंगल वर्टिकल है, ये याद रखना है कि ये जो थीटा है दिस इज फ्रॉम वर्टिकल, वेयर थीटा इज एंगल विद वर्टिकल। देन उसके बाद हमने बैंकिंग ऑफ रोड का डिस्कस किया कि फोर व्हीलर तो ऐसे वर्टिकल से एंगल चेंज नहीं कर सकता, तो हमने रोड को ही थोड़ा सा टिल्ट कर दिया थीटा एंगल पर, तो ये रोड का बैंकिंग एंगल है। और उस पर हमने डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस डिस्कस किए कि विदाउट फ्रिक्शन क्या करेंगे, अगर फ्रिक्शन होगा तो फिर हम कितना मिनिमम या मैक्सिमम स्पीड वहां पर यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे हॉरिजॉन्टल मोशन का डिस्कशन था पूरा। आज हमें टॉपिक एकदम सर्कुलर मोशन का लास्ट टॉपिक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन हमें डिस्कस करना है। सो इट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और इसको समझाने के लिए एकदम मैं एक इजी से एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, एक बहुत ही सिंपलर एग्जांपल के थ्रू मैं इसे समझाने का ट्राई करूंगा। ओके, सपोज ऐसा टाइप का एक हिली पाथ है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है किसी सेम स्पीड से, लेट्स से वी स्पीड से ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, वी स्पीड से एट डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन वी स्पीड से मूव हो रहा है। ओके, तो ये लोकेशंस हम इसके कुछ पॉइंट कर लेते हैं, इन लोकेशंस के क्या कर देते हैं, नेम दे देते हैं इनको कुछ, लेट्स से लोकेशन नंबर ए, लोकेशन नंबर बी, लोकेशन नंबर सी, लोकेशन नंबर डी, ठीक है। एंड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड वी, सो ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, ये हम कंसिडर करके चल रहे हैं। अभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है कि हमने पहले बात की थी, हमने पहले क्या डिस्कशन किया हुआ था कि जो सिचुएशन है, सपोज एक टेबल, हमने बात की थी कि लेट्स से एक टेबल का सिनेरियो है और उस टेबल में सर्कुलर मोशन हो रही है, सो अगर उस टेबल में सर्कुलर मोशन हो रही है तो इसका जो एमजी होगा वो ऐसे नीचे लगेगा, बट टेबल का नॉर्मल उसे बैलेंस कर लेगा, सो सर्कुलर मोशन ये जो थी वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन थी। लेकिन अगर हम ये एक पाथ देख रहे हैं, ये एक ट्रैक है, और ट्रैक को अगर हम देखेंगे तो इसमें एमजी ऐसे एग्जैक्ट नीचे लग रहा होगा ना, और इसमें एमजी तो लग ही रहा है, सब पे ही लग रहा है एमजी, बट साथ में ये लोग डिफरेंट डिफरेंट कर्वेचर पर हैं, सारे पोजीशन पे डिफरेंट कर्वेचर पर हैं। तो मैंने बताई थी कि यार रेडियस ऑफ कर्वेचर करके कॉन्सेप्ट होता है क्या, कि ये कर्वेचर का आर्क कितना बड़ा रेडियस बना रहा है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, कि ये कितने बड़े सर्किल का पार्ट हो सकता है, तो ये उसका बन जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर इस टाइप में, ठीक है। अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर जो सर्किल बनने वाला है वो ऊपर की तरफ बनने वाला है, यहाँ पे जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ऊपर की तरफ आने वाला है, ठीक है। इस वाले के लिए देखें तो इसका और भी छोटा सर्किल रेडियस ऑफ कर्वेचर बनने वाला है, और इस फ्लैट की बात करें तो इसकी कोई रेडियस ही नहीं है। कोई मुझे बता सकता है कि फ्लैट सरफेस की रेडियस हम कितनी मानेंगे, जीरो मानेंगे या कुछ और?
इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, जो फ्लैट सरफेस होता है उसकी रेडियस क्या मानते हैं हम? इनफाइनाइट। कैसे? मैंने एक बार ऑलरेडी आप लोग को ये चीज एक्सप्लेन की थी, जैसे सपोज ये सरफेस अभी शार्प है तो रेडियस कम होगी, इस सरफेस को मैं थोड़ा सा फ्लैट करता हूँ तो रेडियस ज्यादा होगी, इसको और फ्लैट कर देते हैं तो रेडियस और ज्यादा होगी, इसको और फ्लैट कर देते हैं तो रेडियस बहुत ही ज्यादा होगी, एकदम फुल फ्लैट किए तो रेडियस डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो अगर ये आर वन है, ये आर टू है, ये आर थ्री है, ये आर फोर है, सो मतलब सिचुएशन ये होगी कि बहुत ही ज्यादा रेडियस बढ़ती जाएगी। सो आर वन से ज्यादा कौन होगा? आर टू, आर टू से ज्यादा कौन है? आर थ्री, और आर थ्री से बहुत ज्यादा हो गया आर फोर, एकदम फ्लैट। सो बेसिकली जो फ्लैट सरफेस होता है वो सबसे मैक्सिमम रेडियस, मैक्सिमम मतलब कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट रेडियस कैरी करता है। तो रेडियस इनफाइनाइट किसके लिए होती है? फ्लैट सरफेस। ओके, तो ये था फ्लैट सरफेस का मतलब, यहाँ पर तो रेडियस नहीं है, बट इन तीन केसेस में मैं देख सकता हूँ। आप बताएं, रेडियस दिख रहा है, मैंने फिगर ही ऐसे ड्रॉ की है, लेट्स से इसकी रेडियस आर ए है, तो आर ए बड़ी है किससे? आर बी से, और वो बड़ी है किससे? आर सी से। क्लियर है? ये हमने कंसिडर किया हुआ, ऐसा फिगर ही बनाया हुआ है कि ये सिचुएशन है। बट हमें पता है अगर ऑब्जेक्ट v स्पीड से जा रहा है तो ऑब्जेक्ट पे क्या फोर्स लगने लगता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लगेगा, और वो कहाँ होता है? अपोजिट टू द रेडियली आउटवर्ड। तो इसका मतलब इस फिगर में कहाँ पर लगेगा? यहाँ पर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल, और सेंट्रीफ्यूगल की वैल्यू क्या होगी? mv स्क्वायर बाई स्क्वायर बाय r। क्लियर? तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि एज f सेंट्रीफ्यूगल इज mv स्क्वायर बाई r, सो एज r इंक्रीजेस और लेट्स से r डिक्रीजेस, सो सेंट्रीफ्यूगल क्या होगा? इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। ठीक, तो इसका मतलब a केस पर सेंट्रीफ्यूगल डिफरेंट होगा, b केस में सेंट्रीफ्यूगल किस तरफ होगा? रेडियल आउटवर्ड ही रहता है हमेशा, सो f सेंट्रीफ्यूगल दैट इज mv स्क्वायर बाई आर, और ये रेडियस डिफरेंट डिफरेंट प्लेस का, ये आर बी है, ये रेडियस एट आर ए है, इस पे कहाँ लगेगा? इस पे भी बाहर लगेगा, सो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर एट सी। ठीक, तो ये सेंट्रीफ्यूगल डिफरेंट डिफरेंट हम बता सकते हैं। तो इसका मतलब अगर रेडियस एट ए ज्यादा है तो मतलब यहाँ का सेंट्रीफ्यूगल क्या होगा? सबसे कम होगा। सो एफ सेंट्रीफ्यूगल जो है वो सबसे कम कहाँ का होगा? ए का, ए वाला सेंट्रीफ्यूगल सबसे कम, उसके बाद वाला सेंट्रीफ्यूगल बी वाला, और उससे भी ज्यादा होगा सेंट्रीफ्यूगल एट सी। तो ये तीनों पॉइंट सबको समझ में आया? रेडियस से हमने कंपेयर किया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर से हमने ये कंपेयर किए हुए कि जिसका रेडियस कम उसका सेंट्रीफ्यूगल सबसे ज्यादा। तो ये कि वर्टिकल मोशन में कैसे सेंट्रीफ्यूगल का डिफरेंस आने वाला है। अब सेंट्रीफ्यूगल के बाद एक पॉइंट है कि ये कांटेक्ट में चल रहा है, कांटेक्ट में चल रहा है मतलब वहां पर एक फोर्स कौन सा आ जाना चाहिए? नॉर्मल। बिल्कुल, ओके। तो नॉर्मल किस तरफ आएगा? नॉर्मल तो हमेशा कांटेक्ट से अपवर्ड रहने वाला है, तो इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट केसेस में हम नॉर्मल देख लेते हैं कि कितना रहेगा। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर नॉर्मल ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर भी नॉर्मल ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर भी नॉर्मल ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर भी नॉर्मल ऐसे ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल की क्या बात होगी? फ्लैट सरफेस पे सेंट्रीफ्यूगल क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल, यस, सेंट्रीफ्यूगल एट डी तो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर तो इनफाइनाइट है ना, और आपको पता भी होना चाहिए फ्लैट सरफेस पे सेंट्रीफ्यूगल क्यों लगेगा, वो तो कर्व पे लगता है ना। तो हमें यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। देखें नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा बताएं? mg में माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों। तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा mg माइनस mv स्क्वायर बाई r एट a। क्लियर? नॉर्मल रिएक्शन एट b क्या हो जाएगी, देख के बताएं फिगर में। mg प्लस mv स्क्वायर, नॉर्मल ऊपर है दोनों लोग, यस,
सो इसका मतलब होगा एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर बी, थर्ड नॉर्मल एट सी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, सो एम जी माइनस एम वी बाई आर सी, और नॉर्मल एट डी क्या होगा, जस्ट एम जी, क्योंकि एम वी स्क्वायर बाई आर नहीं है। तो यहां से देखो क्या रिलेशन दिख रहा है, सी का फोर्स क्या है, सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे हाईएस्ट है ना, ये सबसे हाईएस्ट है। अगर ये हाईएस्ट मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मतलब बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये वैल्यू लोवेस्ट हो जाएगी ना, समझ आया सबको? यस सर। तो इसका मतलब ये होगा कि सिचुएशन कैसी बनेगी, ये अगर हाईएस्ट मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो एनसी क्या हो जाएगा, सबसे लोवेस्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये वाली वैल्यू बिकॉज एम जी से कम है ये, सो एन ए हो जाएगा। फिर इसके बाद बताओ कौन होगा, ये तो एम जी से ज्यादा है ना, तो ये नहीं होगा, ये एम जी वाला आएगा, एन डी, एन डी आएगा। देन सबसे ज्यादा हाईएस्ट कहाँ होगा, एन बी। तो मुझे लगता है नॉर्मल रिएक्शन के बारे में सबको समझ में आ गया वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। डन, वर्टिकल मोशन में किसी को कोई डाउट, सर्कुलर मोशन में वर्टिकल कर्वेचर पे कैसे नॉर्मल रिएक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा? यस सर। तो एरो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप सर्किल है, हमेशा सर्किल के बाहर ही लगाएंगे। मैं यहाँ पे चाहिए तो हाईलाइट करके लिखता हूँ ये चीज। ओके, तो ये चीज क्लियर रहेगी ना दोनों केसेस में, दोनों कर्व मैंने बना के रखे हैं कि अगर कर्व इस टाइप का है तो सेंट्रीफ्यूगल कैसे दिखेगा आपको, अपवर्ड रेडियली हमेशा आउटवर्ड, और अगर ऐसा कोई सरफेस है तो उस केस में रेडियस अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसके आउटवर्ड मतलब ये वाली डायरेक्शन में। क्लियर है सबको सेंट्रीफ्यूगल कैसे एक्ट करने वाला है? ओके, अब हमें सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ने से पहले हमें एक और चीज सीखनी पड़ेगी, क्या, एनर्जी कॉन्सेप्ट। ऑल्दो आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा होता है एनर्जी के बारे में थोड़ा सा, बट फिर भी हम यहाँ पर जो एनर्जी कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड है वो हम थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दो टाइप की एनर्जी हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है, नंबर वन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पीई, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू, एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच। ओके, अब ये एम जी एच का थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंस है, क्या, इट इज, अगर मैं बात करूं चेंज इन एनर्जी, अगर मैं बात करूं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज मतलब डेल्टा यू का डिस्कशन अगर हम करें, क्या डेल्टा यू कितना हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो जाएगा एम जी, तो सेम रहने वाले हैं, एम जी इंटू डेल्टा एच बोल सकते हैं। डेल्टा एच का यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या है, डेल्टा एच का मतलब है डिफरेंस इन हाइट, डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट। तो ये मैं यहाँ पर हाईलाइट करूंगा, डेल्टा एच वैसे बार बार नहीं लिखते हैं, मतलब मैं सिर्फ एम जी एच ही लिख देता हूँ, एम जी एच ही लिख देता हूँ, बट मैं यहाँ पर ये हाईलाइट करता हूँ इस चीज को, क्या, वेयर वेयर एच इज द
वर्टिकल इट इज वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन द टू पॉइंट्स. क्लियर. और ये यार सबसे हाईलाइटेड है, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वर्टिकल सेपरेशन जो मैं बोल रहा हूँ. यहाँ पर एच इज नॉट जस्ट अ हाइट, इट इज अ वर्टिकल सेपरेशन. जब भी मुझे पोटेंशियल हाई एनर्जी का डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस मतलब कैसे, सपोज ठीक है रुके, पहले एक और देख लेते हैं. पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ एक और हमारा है काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर. और पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ये हमें रिलेट करना है बेसिकली. सो एट द एंड इफ आई से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एंड द एनर्जी कॉन्सेप्ट मीन्स दैट सम पार्ट ऑफ एनर्जी इधर पोटेंशियल और काइनेटिक दे विल बी इंटरकन्वर्टेड. मतलब लाइक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इफ आई से conservation of energy, it means change in potential energy will be equal to change in kinetic energy. Means how much the potential energy is going to change, the same change will occur in kinetic energy. But what is the meaning of conservation actually? Conservation ka matlab ye hai, in real words, if I say loss in potential, let's say potential energy loss ho gayi, then there must be gain in kinetic energy. Or if gain in potential energy, then there is a loss of kinetic energy. To ye hame situation dekhni hai. Acha, gain or loss kab hota hai? Potential energy gain, potential energy ke bare mein agar hum baat kare, potential energy gain kab hogi और लॉस कब कंसिडर करेंगे? तो बड़े ही सिंपल है, गेन कब कंसिडर करेंगे? व्हेन मूविंग अपवर्ड. सो गेन हम कंसिडर करेंगे व्हेन मूविंग अपवर्ड. सो अपवर्ड अगर मूव करे दैट मींस वी आर गेनिंग पोटेंशियल एनर्जी, एंड मूविंग डाउन मींस लूजिंग पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज वेरी सिंपल, ऑलरेडी यू नो kinetic energy, gain and loss. So gain means speed increase of speed, and loss matlab decrease of speed. So loss means decrease of speed. So ye to situation hai ki kab hame gain karna hai aur kab hame लॉस करना है. इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट पर हूं और अभी मैं ये पॉइंट पे हूं, लेट्स से ए पॉइंट पे हूं और मैं बी पे पहुंच गया, तो इसका मतलब देखो वर्टिकल हाइट बढ़ गई ना, ऊपर चले गए हैं वो पॉइंट. ये पॉइंट कहाँ गया? ऊपर गया हुआ है. इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. तो अगर पोटेंशियल एनर्जी गेन हुआ है तो स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. सिर्फ ये फंडा है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन का. तो इधर आप बोल सकते हो चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, या फिर आप लिख सकते हो लॉस इन पोटेंशियल इज गेन इन काइनेटिक इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी. अब लिखेंगे कैसे, इसे करेंगे कैसे देखें. सो एक एग्जांपल, बहुत ही अच्छे एग्जांपल के थ्रू मैं समझा देता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है पोटेंशियल को लिखने के लिए. सो मैं तीन सिनेरियोस देता हूँ आपको. सपोज ये एक ब्लॉक है, ये एच हाइट पे एक ब्लॉक है और यहां से एक बॉल ड्रॉप हुआ है.
ठीक है, जस्ट ड्रॉप किया हुआ है, ये बॉल स्लाइड करके आने वाला है। एक दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं जो काफी स्टीप है बट सेम हाइट पे है, सेम हाइट पे है एच, यहां से बॉल ड्रॉप होने वाला है, सेम सिमिलर बॉल ड्रॉप होने वाला है। और एक सेम हाइट पे मैं एक और सिचुएशन बना लेता हूं, ओके तो ये कुछ केसेस हमने बना लिए हैं, यहाँ पे जस्ट ड्रॉप होने वाला है वो, ठीक। तो इन सिचुएशन में आपको बताना है, इन केसेस में जब बॉल बॉटम पे पहुंचेगा, जब ये बॉल रोल करके बॉटम पे पहुंचेगा तो उसको एक स्पीड मिल जाएगी, लेट्स से वी स्पीड उसको कुछ मिल गई। सो लेट्स से यहाँ पर वी वन मिल गया, यहाँ पे कुछ वी टू स्पीड मिल गई और यहाँ पे कुछ वी थ्री स्पीड मिल जाएगी। अब आपको कंपेयर करना है कौन सी स्पीड ज्यादा होगी, बताएं आपका लॉजिक क्या बोल रहा है कि कौन सी स्पीड ज्यादा होगी। सेकेंड V2 फिर V1। ओके गुड, सो पहले V2 होगी, फिर V1 होगी, फिर V3। ओके ये बताओ V1 और V3 में कैसे गेस किया, ऐसे तुक्का मार दिया? स्लोप वो जरा ऊपर जाता है। हाँ वो जरा अच्छा नहीं लग रहा, तीसरा वाला थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए हमने पहले को बोल दिया। कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इंक्लिनेशन ग्रेटर देन V1 इज ग्रेटर देन V3। दिस इज अवर मिसकॉन्सेप्शन, क्लियर। अब हम ऊपर चलते हैं जहां पर हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया है। देखो पोटेंशियल एनर्जी को मैंने क्या लिखा हुआ है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किस चीज पर डिपेंड करता है? Height. अच्छे से वर्ड पढ़ो पूरा, क्या? वर्टिकल सेपरेशन पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब मैं अगर बोलूंगा यहाँ पर, मैं फिर से वो लाइन यहाँ पे रिपीट करता हूँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन वर्टिकल हाइट। और अच्छी बात ये बिल्कुल याद रख लेना है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ओके सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, तो ये सबसे पहले आपको समझना है। तो इसका मतलब ये बताओ कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा या गेन होगा, नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? लॉस होगी। सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? गेन इन काइनेटिक। इज सेम फॉर, पहले लिख लेते हैं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज सेम फॉर ऑल थ्री केसेस, V1 is equal to V2. Clear? और कितना है वो potential energy का change? It is just mg h height, vertical height. Clear? और using energy conservation, अभी ये line बार-बार लिखनी नहीं होती, because just first question, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, using energy conservation, we can simply say, using energy conservation, we can simply say that loss in potential energy is gain in kinetic energy. Clear? इसका मतलब ये हुआ कि अगर kinetic energy में gain हो गया तो final वाली ज्यादा होगी या initial वाली speed? Final kinetic energy will be greater than initial. Final वाली ज्यादा होगी, अभी तो gain हो गया ना। और loss हम देख लेते हैं, loss कितना हुआ है, mgh हुआ है, और kinetic energy क्या हो जाएगी, kinetic energy final minus kinetic energy इनिशियल। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड है ये गेन इसको बता रहा है कि फाइनल स्पीड बढ़ गई है। इसका मतलब mgh क्या हो जाएगा, फाइनल स्पीड लेट से हो गई हाफ mv स्क्वायर माइनस, इनिशियली तो ड्रॉप हो रहा था, रेस्ट पे था, तो यहाँ से बहुत ही सिंपली आ गया कि v कितना आ जाएगा √2gh फॉर ऑल केस।
तो ये एक सॉल्विंग का पैटर्न हो गया है कि पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को हम इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा वी वन वी टू एंड वी थ्री ऑल विल बी सेम। क्यों? क्योंकि तीनों ही क्वेश्चन में जो उनका वर्टिकल हाइट है वो सबका सेम है। तो पक्का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जब भी कभी पोटेंशियल एनर्जी की चेंज होगी आप पाथ पे टेंशन लोगे क्या, पाथ के बारे में सोचोगे क्या? नो सर। नहीं, सिर्फ क्या देखेंगे हम? वर्टिकल। तो इसका मतलब ये है कि मैं एक छोटे से फिगर के थ्रू ये भी समझ लेता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस बना देता हूँ, तीन केसेस, और देख लेते हैं कि आप लोग को वो चीज समझ आ रही है या नहीं। से ये एक फिगर बना दी हमने और ये एक फिगर बना दी है। तो लेट से ये इनिशियल पोजीशन है और लेट से ये फाइनल पोजीशन है। इसकी रेडियस है कुछ आर, बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई? बताएं, इनिशियल है और ये फाइनल है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई आपको क्या लग रहा है? हाँ, तो इसका मतलब देखो कि ये अभी यहाँ पर था इनिशियली और फाइनल कहाँ पर है? यहाँ पर। तो व्हाट इज द चेंज इन हाइट? दिस एच इज व्हाट? आर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी, नीचे आ रहा है ना, मतलब ड्रॉप होगी। सो यू ड्रॉप हो रहा है मतलब लॉस हो रही है पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर? और कितना अमाउंट लॉस होगी? यू इज इक्वल टू कितना आएगा? एम जी एच जितनी, और एच मतलब यहाँ पर क्या है? आर है। देन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर लॉस हो रही है। अच्छा, अब लेट से वही सेम क्वेश्चन, ये रेडियस आर है और अभी पार्टिकल यहाँ पर है, अब वो यहां तक पहुंच गया थीटा एंगल पर, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी? इंक्रीज। ये इनिशियल है और ये फाइनल है, सबको समझ आया ना यार? ये यू क्या हो रही होगी? इंक्रीज मतलब गेन हो रहा है। अच्छा, तो बताएं यू कितना आ जाएगा? यू हो जाएगा एम जी एच। एच कैसे निकालेंगे यहां पर? तो देखना, एच मैं ड्रॉ करता हूं, एच होता है सिर्फ वर्टिकल हाइट में कितना डिफरेंस है। तो अभी कहां पर है? यहां पर है। थोड़ी देर में थीटा था तो कहां पर पहुंच गया? यहां पर पहुंच गया। अब आप लोग बताओ ये हाइट कैसे निकाल सकते हैं? एच ट्रायंगल से, ट्रायंगल से ये निकाल सकते हैं। ये हाइट कितनी हो जाएगी? माइनस आर वाली, H minus R, R minus H, R minus H हो जाएगी। In terms of R कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमें H निकालना है ना, तो ये triangle दिख रहा है? Yes sir। अगर ये radius R है, तो ये side height कितनी हो जाएगी? R cos theta। R cos theta, समझ में आया सबको? Yes। कोई डाउट? हॉरिजॉन्टल वाली है इसलिए कॉस थीटा, मतलब थीटा जिसके साथ है वो कॉस थीटा। ये कितनी हो जाएगी? साइन थीटा। हमें इसका कुछ काम नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप समझ जाएं। आर कॉस थीटा, तो बेटा एच कितनी हो जाएगी? आर माइनस आर कॉस थीटा। समझ आया सबको? तो एच कितना हो जाएगा इसका मतलब? एच हो जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा। किसी को डाउट कोई तो बता दे एच कितना हो जाएगा? आर माइनस आर कॉस थीटा। समझ आया सबको? यस सर। तो गुड। यस सर। सो यू कितना आ गया इसका मतलब? यू आ जाएगा एम जी एच एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा। क्लियर, सबको समझ आया ये चीज? Yes। Okay, good। So, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा।
इस तरीके से हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, बाद में उसे काइनेटिक के इक्वल करा देंगे, सारा काम बन जाएगा। ओके है, सो एनर्जी कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं बताएं? आ गया सर। ओके यस सर। सो पोटेंशियल एनर्जी में ध्यान देना है कि हमें वर्टिकल हाइट पे ही फोकस करना है और उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर वैल्यू निकाल देंगे। तो इसका मतलब अब हम स्टार्ट कर सकते हैं एक्चुअल वर्टिकल सर्कुलर मोशन सॉल्व करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फिर। ओके, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से डिस्कस करना शुरू करेंगे। देखें एग्जांपल के थ्रू ये मैं यहाँ पर सीखना है, डिफरेंट केसेस के थ्रू सीखना है। याद रखना है सारा कुछ इसमें एग्जांपल के थ्रू ही सीखने वाले हैं हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। ओके, तो सपोज ये एक सेंटर है और यहाँ पर एक थ्रेड है और इससे एक एम मास है, उसे यहां से हमने ड्रॉप किया है। ठीक है, सिचुएशन नंबर ये लेट से एम मास का है, सिचुएशन नंबर ए से ड्रॉप किया हुआ है। तो ये धीरे धीरे कभी बी पे पहुंचेगा, फिर धीरे धीरे कभी लेट से यहां पर आएगा और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है ये हमें डिस्कस करना है। तो ये सिचुएशन नंबर बी है, ये सिचुएशन नंबर सी है विच इज एट 37 डिग्री। अब आपको देखिए क्वेश्चन करना है, एग्जाम्पल के थ्रू ही सीखना है। याद रखना ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे लिखता हूं व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम पोजीशन ए then find its speed and tension in the string at position B and C. okay, सो बी एंड सी पे हमें डिफरेंट पॉइंट पर हमें टेंशन भी चाहिए और सारे पॉइंट्स चाहिए। तो सॉल्व कर लेते हैं यार प्रॉपर। सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, पॉइंट बी के लिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखें पॉइंट बी मतलब क्या सिचुएशन हुई है, ये सर्किल था हमारा, यहां से थ्रेड में ये मास हमारा हैंग कर रहा था और ये आ गया है किस पोजीशन तक, बी तक। सो ये हुई क्या इनिशियल और ये बी क्या बन गया हमारा फाइनल। तो ये बताओ यहाँ पर स्पीड है क्या कुछ, वी है क्या इनिशियली? नो, ड्रॉप किया जीरो है। हाँ ड्रॉप किया है, जीरो है, लेकिन यहाँ पर फाइनली तो कोई स्पीड आ जाएगी ना, कुछ वी आ जाएगा हमारे पास। तो हमें अभी क्या निकालना है, वही वी निकालना है। तो स्पीड एट बी क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, तो गेन इन पोटेंशियल इज सॉरी पोटेंशियल तो लॉस हो रही है ना, नीचे लॉस इन पोटेंशियल इज गेन इन काइनेटिक। तो इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल में लॉस कितना हुआ mg, वर्टिकल हाइट कितनी है mgh। मैं फिर से बात बोल रहा हूँ, इम्पोर्टेंस है वर्टिकल हाइट का, ये एच इज जस्ट आर। तो क्या हुआ यार, एम जी आर इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, तो मुझे पता है हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, और इनिशियल तो जीरो दी है, तो वी फाइनल हमारी डायरेक्ट यहाँ से आ गई। देखो टू इधर मल्टीप्लाई होगा, एम कैंसिल आउट हो जाएगा, वी कितना आ गया, वी फाइनल लेट्स से वी है वो आ गया रूट टू जी आर। किसी को कोई डाउट इसमें, फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, कितनी स्पीड हो जाएगी 2gr। अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहला तो स्पीड हो गया, दूसरा क्या पूछा है,
टेंशन टेंशन। तो यार देखो कि अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो तुरंत हमें इस पे क्या लगा देना चाहिए, एक सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगा देंगे। तो ये कितना होगा, बाहर की तरफ रेडियली एक लगेगा एम वी स्क्वायर बाई आर, और एक फोर्स में सो रहा है हमने जो नहीं लगाया, कौन सा? नॉर्मल नॉर्मल कहाँ होगा, एम जी नॉर्मल। और ये थ्रेड है तो एक फोर्स और कौन सा लग रहा होगा जो इनको बैलेंस करने वाला है, टेंशन। टेंशन समझ आया? सो जस्ट बाई फोर्स इक्वेशन, फोर्स इक्वेटिंग मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकते हैं, हाउ मच इज टी, इट इज अच्छा अब जल्दी से वैल्यू रख देते हैं, एम जी प्लस एम वी की वैल्यू कितनी है, 2gr by r। अच्छा एग्जाम में ये सब लिखना नहीं होता, पता होता है कि ये है सीधे ये लाइन लिखते हैं इसलिए टाइम बचता है, अपॉन r। सो स्क्वायर करेंगे तो देखो टू ये रूट कैंसिल होगा और नीचे से r कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा 2mg, mg प्लस 2mg। आप देख रहे हो कि ये सेंट्रीफ्यूगल से उसको डबल फोर्स फील होने वाला है, और टेंशन थ्रेड में कितना बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 3mg। 3mg 3mg देख रहे हो सेंट्रीफ्यूगल का इंपैक्ट कितना ज्यादा होगा थ्रेड में, मोस्टली फोर्स तो किसका है, सेंट्रीफ्यूगल का ही है, mg का तो खुद बहुत कम है, सो दिस इज ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल। समझ आया सबको पक्का? यस गुड। अब हम नेक्स्ट केस कर लेते हैं, नेक्स्ट केस में आप लोग भी थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करते हुए चलेंगे। तो पॉइंट बी इजी था क्योंकि हमें बस सिंपल डायमेंशन सी डिस्कस करनी थी। फोन कराल सांगतो माझे लेक्चर। पॉइंट सी के बारे में बात करते हैं। पॉइंट सी देखिए, पॉइंट सी कहाँ पर है, नंतर पाठवतो मी लेक्चर एक पर्यंत आहे झाले की पाठवतो। पॉइंट सी, तो पॉइंट सी में सिचुएशन कुछ ऐसी है कि थीटा एंगल पर कहीं पे हमें आना है, वो थीटा की वैल्यू मैंने दे दिया 37, बट हम बाद में रखेंगे, हम पहले क्वेश्चन थीटा के लिए ही सॉल्व करेंगे कि कोई भी थीटा हो काम बन जाएगा। तो ये एम मास था और इसे हमने ड्रॉप किया तो ये यहाँ कहीं तक थीटा तक आ गया, क्लियर है सबको, ये थीटा तक हमें कंसिडर करना है यहाँ तक। तो ये हो गया इनिशियल, फाइनल कहाँ है, ये हो गया हमारा फाइनल। तो फाइनल है तो इसके पास एक स्पीड आ जाएगी ना, ऐसे एक वी आ जाएगी यहाँ पर, तो हमें पता है कैसे निकालते हैं, वी किसमें लॉस हो रहा है, लॉस इन काइनेटिक, लॉस इन पोटेंशियल। इनिशियल हमने इसी को माना है, हमने इसको नहीं माना है, लॉस इन पोटेंशियल। एक चीज है, किन्हीं भी दो पॉइंट को कर सकते हो, आप इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं पूरा स्टार्ट से ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो लॉस इन पोटेंशियल इज गेन इन काइनेटिक। जब हम एग्जाम में टेस्ट में कर रहे होते हैं तो ये बार बार ये लाइन लिखनी नहीं होती है, सीधा लिखेंगे कि एम जी एच इज हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, बट अब हमें पता है कि इनिशियली तो ये जीरो पे था, ठीक है। तो और ऑब्जर्व कहाँ कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑब्जर्विंग फ्रॉम ए टू सी, ऑब्जर्विंग फ्रॉम ए टू सी। मैं बी टू सी भी कर सकता था बट मैंने ए टू सी पिक किया हुआ है। अब जल्दी से तो एच कैसे निकालेंगे, आर कॉस थीटा, आर माइनस आर कॉस थीटा, आर माइनस आर कॉस, आर माइनस आर कॉस थीटा। तुम लोग यार ऐसे रट आर माइनस नहीं करना है, आर नहीं मान, ये है ना हाइट, आर माइनस नहीं करना है, कहाँ है ये, तो सिर्फ ये है, सिर्फ आर कॉस, आर माइनस आर कॉस थीटा नीचे वाला आएगा, नीचे वाली अगर जरूरत होती तो वो आर माइनस आर कॉस थीटा होती, ये तो स्ट्रेट दिख रही है कि अगर ये आर है तो ये कितनी है, आर कॉस थीटा। तो ऐसा हर बार बिल्कुल रट नहीं लेना है कि r माइनस r cos थीटा लगा दोगे, आंसर हो जाएगा एम जी आर cos थीटा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो v की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, v की वैल्यू कितनी आ गई, रूट टू जी आर cos थीटा, क्लियर। मैं cos थीटा की वैल्यू रख ही नहीं रहा हूँ, बात समझ में आ गई आप लोग को, 37 डिग्री है, हम रख के बाद में आंसर निकाल लेंगे, तो मैं वैल्यू रख नहीं रहा हूं।
सेकंड केस टेंशन फोर्स चले, तो बताओ इसमें सेंट्रीफ्यूगल कहाँ लग रहा होगा? रेडियल या बाहर? रेडियल या आउटवर्ड? ऐसे लग रहा होगा? नहीं। यस यस किसने कहा यार, मान काओगे तुम? रेडियल ही लगेगा आउटवर्ड ऐसा, रेडियल रेडियस के लॉन्ग, ये होगा हमारा एम वी स्क्वायर बाई आर। अब देखो एक प्रॉब्लम, एम जी कहाँ लग रहा होगा? स्ट्रेट डाउन, स्ट्रेट डाउन एम जी। और टेंशन कहाँ लग रहा होगा? इधर। तो क्या ऐसे कर दोगे क्या अब तुरंत कि सर टी इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर? कंपोनेंट 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 बनेगा, ऐसे नहीं करते हैं ठीक है, कि पीछे मैंने एक क्वेश्चन में कर दिया तो ऐसे करेंगे। कंपोनेंट किसका कंपोनेंट? एम जी का, एम जी का cos थीटा। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, एम जी का। यस, इसका मतलब टी जो होगा, टी होगा वो एम जी का कंपोनेंट लगेगा, एम जी cos थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर लगेगा। समझ आया? यस। अच्छा एम जी cos थीटा मैंने लिख दिया और v की वैल्यू लिख देते हैं, m into v की वैल्यू कितनी है? root 2g yeah. 2g r cos theta by r square। तो करेंगे तो ये r r कैंसिल होगा और 2mg आ जाएगा, तो टोटल मैं डायरेक्टली देखता हूँ, ये आएगा mg cos theta और ये आएगा 2mg cos theta। तो मतलब आंसर समझ में आ गया आपको, टेंशन कितना आ जाएगा? 3mg cos theta, 3mg cos theta, 3mg cos। अच्छा ये तो सिचुएशन ठीक है। अब इसको क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स दिल पे ले जाते हैं, अरे एकदम थीटा रट लिया, हाँ सर टेंशन तो ऐसा 3mg cos थीटा टाइप ही आएगा। ऐसा हर बार नहीं है, सोचो अगर मैंने आपको इस तरफ कहीं पूछा होता। एक और पॉइंट ऐड ही कर लेते हैं, लेट्स से पॉइंट डी, इवन मैंने क्वेश्चन में नहीं बनाया बट लेट्स से पॉइंट डी। पॉइंट डी का है, पॉइंट डी थोड़ा पहले पड़ जाता है, लेट से पॉइंट डी है यहाँ पर, थीटा एंगल पहले क्लियर। तो वी तो निकाल लोगे आप, आर कॉस थीटा ही रहने वाला है, बट यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल किस तरफ होगा? रेडियल आउटवर्ड, रेडियल आउटवर्ड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में रेडियली आउटवर्ड होगा सेंट्रीफ्यूगल, और mg किस तरफ होगा? इस तरफ, और टेंशन होगा इन। अच्छा अभी भी सेम ही है, अभी भी सेम है, तो ऊपर तरफ बदलेगा, नीचे तरफ नहीं बदलेगा। किस तरफ चेंज होने वाला है? अपोजिट होगा यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं पे देखो mg कहाँ लगेगा? इस तरफ, तो mg का कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा ना, t के तरफ। समझ आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम फिर ये देखेंगे, यहाँ पर नहीं देखेंगे क्योंकि डी पॉइंट पे भी एड ही होने वाला है। तो यहां तक समझ आया दोनों पॉइंट, कि अगर हम कहीं से छोड़ देंगे उसे तो कितना हाइट तक हो जाएगा, कहां तक जाएगा? यस सर। अच्छा एक और क्वेश्चन हमने बताया कि मैक्स कहां तक जाएगा, बताओ ए से ड्रॉप किया तो कहां तक जाएगा? उसके अपोजिट साइड हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल एकदम। एनर्जी कंजर्वेशन से देखो तो यहीं तक जाएगा सिर्फ, उसके बाद फिर वापस नीचे आ जाएगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग वो उस पॉइंट से ज्यादा नहीं जा सकता। तो ये था, ये सिचुएशन क्या थी जिसमें हमने हाइट वगैरह ड्रॉप करके आपको पूछा कि ये चीजें आप बताएं, ठीक। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम खुद उसको स्पीड देने वाले हैं। तो ये एग्जाम्पल यहाँ तक समझ आया सबको? यस सर। ओके गुड, चले नेक्स्ट सेट एग्जांपल देखते हैं। ओके तो अभी क्या सिचुएशन है कि अभी थ्रेड के थ्रू वो पार्टिकल इस पोजीशन पे था, अब हमने क्या किया उसको हिट कर दिया, उसको किसी वी स्पीड से हिट किया। तो अब आपको बताओ कि वी कितना होना चाहिए कि वो किस किस पोजीशन पे पहुंच जाए,
ठीक है, तो लेट से वो पहले डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे पहुंच गया, लेट से पहले वो थीटा एंगल पर यहां पर है, फिर वो यहां पर पहुंच गया, फिर वो यहां पर भी पहुंच जाएगा कहीं, और फिर वो टॉप पर पहुंच जाए और वो क्रॉस भी कर जाए। तो ये बहुत सारे केसेस हम इस बार डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल बन जाता है हमारा। क्या हम बहुत सारी डिफरेंट लोकेशंस पे अब चेक करने वाले हैं, लेट्स से ए ए बी सी, ये वर्टिकल से थीटा एंगल पर है, बी तो हॉरिजॉन्टल ही है, और लेट्स से ये वर्टिकल से थीटा एंगल पर अपवर्ड है। तो देखिए, द ऑब्जेक्ट इज गिवन अ स्पीड स्पीड ऑफ वी एट द बॉटम ओके फाइंड वी एंड टी सॉरी फाइंड वी सच दैट नंबर वन इट जस्ट रीचेस पॉइंट ए, अगर हमें उसे जस्ट पॉइंट ए तक पहुंचाना है। नंबर टू इट जस्ट रीचेस पॉइंट बी, नंबर थ्री जस्ट रीचेस पॉइंट डी, ठीक है, वो जस्ट टॉप पॉइंट तक पहुंच जाए। ये सिचुएशन पर हमें स्पीड उसका फाइंड करना है कि कितना होना चाहिए कि वो सिचुएशन नंबर ए तक पहुंच जाए। क्लियर? तो प्रॉपर पॉइंट सॉल्व कर लेते हैं केस वाइज। पॉइंट ए तक पहुंचना है, सबसे पहले उसे कहां तक पहुंचना है, पॉइंट ए तक पहुंचना है। तो इसका मतलब आप लोग निकाले कि किस स्पीड से हिट करेंगे कि ए तक पहुंच जाए। चलो सॉल्व करें जल्दी से। व्हाट शुड बी द वी इन टर्म्स ऑफ थीटा सो दैट इट रीचेज अप टू दिस पॉइंट। इसका मतलब यह है कि वो इससे आगे क्यों नहीं जा पा रहा है, क्या प्रॉब्लम होगी, वो ऊपर नहीं जा पा रहा है। जीरो जीरो हो गई क्या फाइनल स्पीड उसकी, वी फाइनल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो वो ऊपर नहीं जा पाएगा। तो नंबर वन करके लिख देते हैं, टू रीच जस्ट ए वी फाइनल एट ए क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जा रहा है ना, तो गेन इन पोटेंशियल हो रहा है और लॉस किसका हो रहा है, काइनेटिक का। गेन इन पोटेंशियल गुड एंड लॉस इन काइनेटिक, सो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है, मतलब फाइनल कम हो गई होगी ना, कौन ज्यादा रही होगी, इनिशियल वाली। लॉस के केस में इनिशियल ज्यादा होगी और फाइनल कम हो गई होगी, तो इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे। गेन इन पोटेंशियल तो आपको पता है, एम जी एच करेंगे, तो फाइनली तो हमें पता है कि उसे रुक जाना है, ठीक, और इनिशियल हमें वी सॉल्व करना है। अब आपको हाइट बताना है कि कितनी होगी इस क्वेश्चन में, r माइनस r sin r r cos theta r समझ आ गया क्या, r cos theta नहीं होगा यार, ये h क्या होगा, r sin, ये r cos theta है, r माइनस r cos theta, r माइनस r cos theta होगा, ये r cos theta है। हां यस सर, समझ आया ना, ये ट्रायंगल बार-बार बोल रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये रेडियस है और वो उसका cos कंपोनेंट है, तो इसका मतलब ये हाइट कितनी होगी, टोटल रेडियस माइनस आर कॉस थीटा। इसमें समझ आया कि हाइट क्या कैसी होगी, ओके गुड, तो फिर टेंशन लेना ही नहीं है, एम कैंसिल आउट हो गया,
तो आंसर क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा रूट टू जी आर वन माइनस कॉस थीटा। अच्छा बताओ, अभी ये तो आंसर है, देर इज नो प्रॉब्लम कि ये आंसर करेक्ट है, इसको फर्दर कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, किसी को कुछ याद आ रहा है? यस सर, रूट अंडर वन माइनस कॉस थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा नहीं, थोड़ा और बताएं। टू साइन स्क्वायर थीटा बस नहीं, कुछ और थोड़ा सा, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, थीटा बाई टू, तो इससे भाई दोनों लोग बाहर आ जाएंगे क्या, टू भी डबल हो गए और साइन थीटा बाई भी डबल हो गया, तो ये आ जाएगा टू साइन थीटा बाई टू इंटू रूट जी आर। समझ आया क्या? ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको एग्जाम में इस टाइप पे ऑप्शन दिखे। पक्का सबको समझ आ गया ना ये वी कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा अब बताओ टेंशन कैसे निकालेंगे, टेंशन टी, टी तो अब आप लोग को पता चल गया होगा ना, एम जी इधर लग रहा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एम वी स्क्वायर भैया, और ये हमारा है एंगल थीटा, तो टी मैं डायरेक्टली अब लिखूंगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, और सिंपल है, ज्यादा डिटेल अब मैं नहीं सॉल्व करना चाहता, एम जी कॉस थीटा है और इसे हम सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या ट्राई करूंगा, आपको क्या लगता है मुझे ये वाला फॉर्मूला रखना चाहिए, ये वाला कौन सा बेनिफिशियल लग रहा है, फर्स्ट है ये, फर्स्ट लग रहा है क्योंकि कॉस कॉस कैंसिल होने वाले हैं, ओके तो फर्स्ट वाला यूज करेंगे, एम वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी रूट टू जी आर वन माइनस कॉस थीटा, क्लियर, ये सब कुछ रूट में, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा टू, सो ये आ जाएगा एम जी कॉस थीटा प्लस टू एम जी वन माइनस कॉस थीटा, तो इसका मतलब थोड़ा सा माइनस करेंगे तो देखो ये टू टाइम्स एम जी होगा और टू टाइम्स कॉस थीटा, एक टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा टू एम जी माइनस एम जी कॉस थीटा। कोई डाउट किसी को, समझ आ गया क्या सर, प्रॉपर समझ आ गया सबको? यस सर, गुड वेरी गुड, तो अब yes, आप लोग सॉल्व करेंगे कि हमें पॉइंट नंबर बी तक पहुंचना है, व्हाट शुड बी द स्पीड सो दैट इट रीचेस पॉइंट बी, सो चले सॉल्व करें आप लोग जल्दी से, मैं जस्ट फिगर बना देता हूं और फिर एक दो मिनट बाद मैं डिस्कस कर लेता हूं इसको। एक मिनट रुके सब लोग, एक मिनट रुके, सॉरी यार एक मिस्टेक हुआ यहाँ पर, क्या हमने इस पॉइंट पर लगाया है ना सेंट्रीफ्यूगल, सुन रहे हैं आप लोग अभी? हाँ, मुझे इस फिगर से समझ में आया, याद आया कि यार फाइनल स्पीड तो जीरो है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल क्यों लगा दिया आपने, ये तो टेंशन एट द बॉटम आ गई है, समझ आ रहे हो, एकदम रैंडम हो गया क्या, कि ये हमने वी कहां पर निकाली है, बॉटम पर निकाली है, तो अगर हमें चाहिए टेंशन एट द बॉटम, क्या चाहिए, टी बॉटम, बॉटम पे चाहिए,
तो फिर हम ये करेंगे, ये स्पीड यूज करेंगे, बट वहां पे तो mg डायरेक्ट लग जाएगा ना, mg cos theta प्लस mv स्क्वायर बाय r होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि mg cos theta की कोई पॉइंट ही नहीं बन रहा है, ये क्वेश्चन ही हमने अलग सॉल्व कर दिया, cos theta आएगा ही नहीं यहाँ पर, डन। समझ आया सबको? सर उस हाईएस्ट पॉइंट पे mg cos theta होगा क्या? टेंशन नहीं, हाईएस्ट पे नहीं देख रहे हैं, बॉटम पे सॉल्व कर रहे हैं ना अभी। yes. हमने क्वेश्चन क्या बना दिया है, टी बॉटम पर सॉल्व किया है, क्योंकि हमने उसका वी यूज कर लिया है ना, बॉटम वाले का वी। सो हम बेसिकली बॉटम पे देख रहे हैं कि बॉटम पे टेंशन कितनी होने वाली है, तो वो क्या होगी, 3mg माइनस 2mg cos theta, क्लियर? समझ आया क्या आपको? और मैं अगर ये बोलूं टेंशन एट बी पॉइंट, टेंशन एट पॉइंट ए, बताओ पॉइंट ए पर क्या होगा, जब यहाँ की फाइनल स्पीड जीरो है तो इसका सेंट्रीफ्यूगल क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो, तो सिर्फ जीरो क्या आने वाला है भाई? एमजी कॉस थीटा, एमजी कॉस थीटा, बस। तो ऐसे गलती नहीं करना है, ठीक है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी समझ आया सबको हमने क्या गलती की थी? हमने जो स्पीड एट ये वाले पॉइंट थी बॉटम पॉइंट, वो स्पीड हमने यहाँ पर लगा दी, गलत है ना, यहाँ पर तो स्पीड जीरो हो चुकी थी। ओके, हाँ, तो चले बी पॉइंट के लिए सॉल्व करें आप लोग जल्दी से। ओके गुड, सो पोटेंशियल एनर्जी में गेन कितना होगा, वही mgh वाला, और लॉस किसका हुआ होगा, काइनेटिक का, मतलब लॉस हो रहा है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, ज़्यादा थी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बिकॉज मैक्स पॉइंट चाहिए तो ये जीरो हो गई है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं क्या, mg बताओ हाइट कितनी कवर की, ये वाला पॉइंट अभी यहाँ पर है और पहले यहाँ पर था, ये जो हाइट है वो तो क्या है, आर जितनी ही है। ओके गुड, सो एम जी आर इज हाफ एम वी स्क्वायर, तो कितनी स्पीड चाहिए ये पॉइंट पे पहुंचने के लिए, v इज इक्वल टू चाहिए रूट टू जी आर, रूट टू जी आर। ओके नेक्स्ट टेंशन बताएं, टेंशन एट बॉटम 3mg, टेंशन टी एट बॉटम, बॉटम पे लगेगा mg प्लस mv स्क्वायर बाय r, जी आर लगा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 ऐड होके 3mg जितना आ जाएगा। ओके, और लेकिन अगर हम ये पॉइंट b पर देखें, जीरो टेंशन एट पॉइंट b, जीरो जीरो क्यों, mg 90 डिग्री पे, mg 90, हां वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, क्या कि mg लग रहा है 90 डिग्री पे, सेंट्रीफ्यूगल को कोई बैलेंस कर नहीं पाएगा क्योंकि वो तो सॉरी सेंट्रीफ्यूगल तो जीरो ही है, एम वी स्क्वायर बाई आर तो क्या है, जीरो ही है, ठीक। तो इसका मतलब इधर जो टेंशन लगने वाला है वो उसे कोई बैलेंस कर पाएगा क्या, नहीं, एम वी स्क्वायर बैलेंस ही नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि एम जी को कोई बैलेंस कर रहा है क्या, एम जी को कोई बैलेंस कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो इसका मतलब EMG वापस से उसे गिरा देगा। तो अगर आपने रूट टू जी आर से फेंका तो वो जाएगा जरूर पॉइंट तक, बट वापस आ जाएगा, ठीक है, और टेंशन तो क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि MV स्क्वायर बाई आर है ही नहीं बैलेंस करने के लिए। तो पक्का अच्छे से सबको समझ आ गया ना? यस सर। ओके गुड, वेरी गुड, चले सी पॉइंट को सॉल्व करते हैं फिर। पॉइंट सी ये आप लोग सॉल्व करके रखें, मैं एक मिनट बाद डिस्कस कर लेता हूँ।
ओके वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। तो काफी सारे लोगों ने कर लिए यार। क्या चाहिए हमें? हाइट। याद रखो हमें क्या चाहिए? हाइट। देखो यार ये हाइट कितनी यहाँ पर आ गई है, एच। ओके तो मुझे लगता है अब आप समझ गए हैं। प्रीवियस भी हमने काफी बार डिस्कस किया है कि यार जिस ट्रायंगल में थीटा दिया उस वाले ट्रायंगल में देखते हैं। अगर हम देखें ये आर है तो ये वाली कितना बन जाएगी हाइट? आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा। तो ऐसा रट नहीं लेना हर बार कि आप आर माइनस आर कॉस थीटा कर दें। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एच कितना दिख रहा है? देखो मैं लॉस गेन कुछ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत बार मैं ये चीजें लिख चुका हूँ सिमिलर। तो मैं सिर्फ इतना लिखूंगा एम जी एच इज हाफ एम वी स्क्वायर वेयर एम जी एच इज आर प्लस आर कॉस थीटा। ये इट इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम कैंसिल आउट हो जाएगा और वी की वैल्यू आ जाएगी रूट टू जी एच सॉरी रूट टू जी आर वन प्लस कॉस थीटा। कोई डाउट? तो ये आंसर होगा। इसे मैं शॉर्ट में दूसरा क्या लिख सकता हूँ बताएं? वन प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? टू कॉस स्क्वायर थीटा। टू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके वेरी गुड। तो टू बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा टू रूट जी आर इंटू कॉस थीटा बाय टू। या फिर मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि क्लियर रहे कि मैंने क्या यूज किया। मैंने रूट टू जी आर में वन प्लस कॉस थीटा को लिखा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ये लिखा और इससे हमारे वी का आंसर आ गया टू रूट जी आर इंटू कॉस थीटा बाई टू। तो ये दो फेमस हमारी वैल्यूज हो सकती हैं। दूसरा पार्ट क्या निकालना है? टेंशन एट बॉटम एंड टॉप। तो टेंशन एट बॉटम टी बॉटम, बताए टी बॉटम कितना हो जाएगा? बॉटम पे एम जी लगेगा और ऐड होगा ये, क्लियर? कितना है? एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो अगर मैं ये वाली वैल्यू रख दूंगा तो वन प्लस कॉस थीटा के वजह से ये बन जाएगा थ्री एम जी प्लस टू एम जी कॉस थीटा। किसी को कोई डाउट ये रखने के बाद क्या आंसर आएगा? ये वन प्लस कॉस थीटा है तो अंदर टू और टू का मल्टीप्लाई होगा, एक और एम जी मिलकर थ्री बना लेगा। तो बॉटम पे किसी को कोई दिक्कत? टेंशन एट बॉटम? नो सर। ओके अब पॉइंट सी पे जरा देखते हैं टेंशन को। पॉइंट सी पर, पॉइंट सी पर एक फोर्स क्या लग रहा होगा इधर? सेंट्रीफ्यूगल। तो यहाँ पे लग रहा होगा क्या? एम वी स्क्वायर बाई आर, लेकिन वी तो जीरो है तो सेंट्रीफ्यूगल क्या हो जाएगा? जीरो। इधर क्या लग रहा होगा? टेंशन। टेंशन लग रहा होगा। और इधर क्या लग रहा होगा? ग्रेविटी। ग्रेविटी। mg लग रहा होगा जी। समझ आया? तो इसका मतलब ये हुआ, सिचुएशन देखो क्या होगी कि कौन किसे बैलेंस करेगा बताओ। टेंशन एट पॉइंट सी क्या हो जाएगी? जीरो। जीरो बैलेंस नहीं कर पाएगा। देखो नीचे की तरफ टी लग रहा है और एमजी भी तो उसी तरफ लग रहा है, तो कोई किसी को अपोज कर रहा है क्या? कोई बैलेंस कर पाएगा क्या टी को? नहीं। नो फोर्स कैन बैलेंस टी। नो फोर्स इज अवेलेबल टू बैलेंस द टेंशन। तो इसका मतलब टेंशन कितनी आ जाएगी? जीरो। एट पॉइंट सी टेंशन क्या आ जाएगी? जीरो। अच्छा टेंशन जीरो मतलब क्या है? क्या थ्रेड ऐसे टाइट रहेगा क्या? नो सर, लूज होगा। लूज नहीं, लूज। इसका मतलब ये है कि टेंशन क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा। समझ में आया? इसका मतलब ये है कि थ्रेड विल लूज, थ्रेड विल लूज, क्लियर? तो इसका मतलब यार ये बताओ, अगर थ्रेड लूज हो जाएगा तो फिर उसको सर्कुलर मोशन कौन कराएगा? मोमेंटम। जो मोशन होगी कंटिन्यू होगी, जो मोशन होगी वही कंटिन्यू होगी। मोशन नहीं हो पाएगी सर।
बताएं क्या लगता है सर्कुलर मोशन कौन कराएगा अगर टेंशन ही नहीं रहा तो, क्योंकि टेंशन ही वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, एक रियल फोर्स हमारा बनता है, तो सर्कुलर मोशन हो सकती है क्या? Yes, sir. नहीं, तो टेंशन जीरो है, थ्रेड विल लूज, दैट मींस नो फोर्स अवेलेबल टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल, नीचे आएगा सीधा, हाँ टू प्रोवाइड, नीचे नहीं आएगा अभी, टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल, इसका मतलब ये हुआ कि यार जब सेंट्रीपिटल फोर्स ही नहीं था तो फिर वो सर्किल में क्यों गया, ऐसा होगा क्या? नहीं, तो इसका मतलब पॉइंट, देयर विल बी नो सच पॉइंट, क्लियर? तो इसका मतलब ये जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है ना, ये जस्ट टू रीच कितनी स्पीड होनी चाहिए, सी पर रीच होनी चाहिए, ये पूरा सब कुछ क्या है, गलत है। अब आप बोल रहे हो सर इतनी मेहनत क्यों कर डाली, मैं वही बताना चाह रहा हूं कि दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट्स इज इनकरेक्ट, ओके? तो इसका मतलब देखें, ये बहुत ही ज्यादा स्टार मार्क वाली बात है, मैंने पूरा सॉल्व करके आप लोग को दिखाया है और ये मैं प्रूव कर रहा हूं कि ये बिल्कुल गलत है, जो भी हमने सॉल्विंग की है ये हमने बिना दिमाग के मैथ लगा दी है, बस हमने मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी सॉल्विंग है वो कर दिया, ऐसा कोई भी पॉइंट हो ही नहीं सकता, सो देयर विल बी नो सच पॉइंट, नो सच पॉइंट आफ्टर इट क्रॉसेस द हॉरिजॉन्टल लाइन, means after point B, after point B, so there will be no such point after it crosses the horizontal line, horizontal line मतलब ये वाली line cross करने के बाद ऐसा कोई भी C point हो ही नहीं सकता, there will be no such point where the velocity will become zero, okay? तो इसका मतलब अगर ऐसा पॉइंट नहीं होगा तो हो क्या रहा होगा, सिनेरियो क्या हो रहा होगा कि वेलोसिटी जीरो होने से पहले कौन जीरो हो जाएगा, टेंशन, टेंशन, yeah, so tension in the string will become zero, tension in the string will become zero before speed being zero, समझ में आया? तो इसका मतलब अगर उसने एक बार सी पॉइंट ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस की तो क्या कभी उसकी स्पीड जीरो हो सकती है क्या? नहीं, स्पीड जीरो होने से पहले ही क्या हो जाएगा, कौन जीरो हो जाएगा, टेंशन जीरो हो जाएगा और वो सर्कुलर मोशन छोड़ देगा। इसका मतलब ये है आप देखें, मैं फील कराना चाहता हूँ आपको ये कि अगर मैंने ये सर्कुलर मोशन ली है, ध्यान दें सब लोग, और यहाँ से आपने एक, आप घर पे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं किसी थ्रेड से, किसी एक छोटे से मास्क को हैंग करके, अगर आप यहाँ से हिट करो, इतना इनफ हिट करो कि ये यहाँ तक पहुंच जाए, लेकिन इसके बाद अगर ये गया यहाँ तक गया अगर, तो आप देखोगे कि ये कभी वापस सर्किल में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि टेंशन क्या हो जाने वाला है, जीरो। लेकिन टेंशन जीरो होने से पहले इसके पास क्या बच जाएगा, वी, एमजी, वी इज नॉट जीरो, V is not zero. इसका मतलब टेंशन जीरो हो गया तो क्या अब ये सर्किल में घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा। ये कैसी मोशन करेगा अब, ये स्ट्रेट लाइन,
अबे मार खाओगे स्ट्रेट लाइन। एमजी लग ही रहा है अंडर ग्रेविटी, लग ही रहा है क्या करेगा ये अंडर ग्रेविटी में। अरे अंडर ग्रेविटी प्रोजेक्ट है, समझ आया भाई? तो इसका मतलब ये जो हमने इतनी मेहनत की है ये सिर्फ आपको कैलकुलेशन सिखाने के लिए किया है। ऐसा सी कोई भी पॉइंट होता ही नहीं है कि जहां पे स्पीड जीरो हो जाए। पहले कौन जीरो होता है? टेंशन। और उसके बाद स्पीड जीरो होता ही नहीं है, इसका मतलब उसके बाद क्या कर देता है? प्रोजेक्टाइल मोशन कर देता है। तो इसका मतलब सी जो हम बोल रहे हैं, सो फाइंड फाइंड पॉइंट सी वेयर टी विल बिकम जीरो। क्लियर? तो हमें सी एक पॉइंट चाहिए जहां पर टी जीरो हो जाएगा। एंड एक्सप्लेन and explain motion afterwards. समझ आया? तो ये बताओ अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि उसे थ्रो कहाँ किया है? तो इस बार हमें क्वेश्चन में जब हमें खुद सी पॉइंट ढूंढना है तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन में देगा कि इसे स्पीड से थ्रो किया। तो आपको पता है कि रूट टू जी आर से ज्यादा करना पड़ेगा वरना सी पॉइंट कभी आएगा क्या? नहीं, नहीं। तो मैं ये क्वेश्चन में गिवन कर रहा हूं, ये दिया हुआ हूं, वेयर वी बॉटम इज रूट थ्री जी आर, ये गिवन है। सबको समझ आया कि बॉटम पे स्पीड कितनी दे दी है? रूट थ्री जी आर। तो पक्का ये वाले पॉइंट को तो क्रॉस कर जाएगा। तो अब ढूंढना है आपको कि कौन से पॉइंट पे जाके वो क्या हो जाएगा, टेंशन जीरो हो जाएगा Zero. और उसके बाद का मोशन हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये दिखा पॉइंट और इसको मैं मान लेता हूं क्या है ये थीटा। तो चले जल्दी से सॉल्व करिए, कहां पर टी जीरो हो जाएगा? पहले ये बताना है क्या v फाइनल जीरो है क्या इस बार? नहीं नहीं है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना है सबसे पहले सॉल्व करने में, v एट c इज नॉट जीरो जीरो, बट क्या जीरो है? t जीरो है। तो पहले v की इक्वेशन लगानी चाहिए या t वाली लगानी चाहिए? टी की इक्वेशन लगानी चाहिए। अभी समझ आया सबको कि पहले इक्वेशन किसकी लगानी चाहिए? हमें टी की लगानी चाहिए। तो टी की इक्वेशन समझ जाओ, इसका मतलब एम वी स्क्वायर बाई आर अभी जीरो नहीं हुआ है। तो इसका मतलब इधर पे क्या लगेगा उस पे? एम वी स्क्वायर बाई आर। नीचे की तरफ एम जी है और इधर की तरफ क्या है? टी है। तो बताओ इक्वेशन ऑफ टी क्या हो जाएगी? mg minus mg cos theta cos mv square mv square by r minus mg cos theta minus mg cos theta। very good, very good। so बहुत ही अच्छे यार, बहुत ही अच्छे। तो इसका मतलब सिचुएशन होगी, फर्स्ट हम t सॉल्व करेंगे। t is equal to क्या हो जाएगा? देखो mv square बाहर ले जा रहा है और mg cos theta किसके तरफ लग रहा है? t के तरफ लगेगा ना, समझ आया? तो इसका मतलब ये है कि इस तरीके से बैलेंस करेंगे, t इक्वल नहीं होगा, t प्लस mg cos थीटा किसे मैच करेगा? mv स्क्वायर बाई r को। क्वेश्चन में हम क्या सॉल्व करना चाहते हैं? c पॉइंट सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो वहां पर टेंशन क्या रख देना है हमें? जीरो। सो mg cos थीटा इज mv स्क्वायर बाई r। क्लियर? तो इसका मतलब यहां से हमें आ जाएगी वैल्यूज v के बारे में और mg cos थीटा, ये सारी चीजें यहां पर हमें आ जाएंगी। लेकिन हमें एनर्जी कॉन्सेप्ट भी तो यूज करना पड़ेगा ना अभी, क्योंकि हमें v की वैल्यू चाहिए, तब तो cos थीटा की वैल्यू आएगी।
तो v की वैल्यू कहां से मिलेगी? इसका मतलब पहले हमें वही इक्वेशन यूज करनी चाहिए थी, पहले हमें क्या एनर्जी कंजर्वेशन ही यूज कर लेते हैं। सो फ्रॉम ए टू सी यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, चलो बताएं, मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूं MgH इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है? लॉस तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। यह तो अगर लॉस हो रहा है तो पहले ज्यादा थी या बाद में? पहले। तो इसका मतलब इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, ज्यादा वाला माइनस कम वाला इज इक्वल टू होगा MgH। तो MgH देखो यार, चलो H देखते हैं, H क्या लिखेंगे इस बार? R plus R cos. तो मैं अब डिटेल नहीं बना रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आप लोग समझ गए, प्रीवियस मैंने ही डिस्कस किया हुआ है, R plus R cos theta इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर, V कितना है रूट 3gr का स्क्वायर माइनस फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर चाहिए। डन, तो देख लेते हैं वैल्यूज, m सबसे कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2gr 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, m तो कैंसिल आउट हो चुका है, ये 2 हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों का कॉमन लेके, तो क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ 3gr बचेगा प्लस सॉरी माइनस v स्क्वायर। समझ आया सबको? हमने कैसे सॉल्व किया, हमने m को कट किया सबसे और राइट साइड का जो हाफ है वो उधर मल्टीप्लाई में करा दिया। अभी थोड़ा सा सॉल्व कर ले, v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3gr माइनस 2gr माइनस 2gr cos थीटा। तो देखो v स्क्वायर कितना आ गया, v स्क्वायर कितना आ गया gr माइनस 2gr माइनस, हाँ तो ये आ गया gr 1 माइनस 2 cos थीटा। कोई डाउट? ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, मैंने एग्जांपल आपको पूरा सॉल्व किया, बुक में आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पीड दे सकता है, रूट 4gr दे दिया, समझ गए, कोई टेंशन थोड़े ना, यहाँ पे 4gr चलता रहेगा सॉल्विंग में। डन, स्पीड निकालना सबको समझ में आया, फाइनल स्पीड इतनी रहेगी, जीरो नहीं हो जाएगी। ओके, सो टेंशन जीरो है लेकिन उधर तो स्पीड अलग आ रही ना? नहीं, ये वाली स्पीड ही आएगी, हमें यूज करना है ये वाली स्पीड, हमारा टारगेट है ये थीटा फाइंड करना कि कहां पे टेंशन जीरो होगी। समझ आया क्वेश्चन में क्या करना है? वेयर मतलब क्या फाइंड करना है, थीटा, लोकेशन फाइंड करनी है कि कहां पर वो स्लैक हो जाएगा, टी जीरो हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, अभी टी प्लस mg cos theta is equal to क्या हो जाएगा mv square by r, और ये v कहाँ का है, v at point c है। ओके, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, v at point c है। अभी देख लेते हैं t तो क्या है zero, plus ये हो गया mg cos theta और mv square, v का मैं square कर दूंगा तो ये हो जाएगा m, r cancel out होगा g 1 माइनस 2 cos थीटा, एम भी कैंसिल आउट हुआ, जी भी कैंसिल आउट हुआ, देखो क्या आंसर आ रहा है, cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर आएगा 2 एक 3 cos थीटा होगा, 1 बाई 3 आ जाएगा। समझ आया? कई बार cos में आपको वैल्यू नहीं मिलेगी तो साइन में भी बोल सकते हैं हम। समझ आया क्या आप लोग को? तो कैसे निकाल सकते हैं, ये हम ट्रायंगल बना लेंगे, बेस और हाइपोटेनस ये 1 है, ये 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब रूट 8। ओके, तो अगर कभी साइन थीटा वगैरह दे दिया तो हम समझ जाएंगे क्या हो जाएगा, 2 रूट 2 बाई 3। क्लियर है सबको, समझ आ गया क्या, किस एंगल पर जाकर वो स्लैक होने वाला है रोप?
बट स्पीड जीरो नहीं होगी. डन. यहां तक सबको समझ आ गया भाई? यस सर. ओके गुड. तो यार ये बताओ, अगर कॉस थीटा पता चल गया तो हम रियल स्पीड भी निकाल सकते हैं ना, फाइनल स्पीड एट सी. क्या कर सकते हैं हम? कॉस थीटा की वैल्यू रख सकते हैं. देखिए वी की वैल्यू क्या आई थी, रूट टू जी आर वन माइनस टू कॉस थीटा. रूट जी आर आया है पक्का? हाँ, एज पर दिस क्वेश्चन हमारा ये आया है आंसर. आप लोग अपने हिसाब से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते रहेंगे. टू इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई है? 1/3. सबको समझ आया ये? हाँ, तो आंसर कितना आ जाएगा? रूट जी आर, और देखो ये 3 - 2 क्या आएगा? 1/3. तो आंसर क्या आ जाएगा? रूट जी आर बाई थ्री. किसी को कोई डाउट सी पॉइंट पर स्पीड निकालना? नो सर. वेरी गुड. अब देखते हैं मोशन आफ्टरवर्ड्स. क्या चेक करते हैं? मोशन आफ्टरवर्ड्स. मोशन आफ्टरवर्ड्स मतलब अब तो चीजें बहुत बदल गई कि ये सर्कुलर मोशन होने वाला था बट वो एक ऐसे एंगल पर पहुंच गया. लेट से यहां से हमने उस थ्रेड को, उस पार्टिकल को थ्रो किया था किसी वी स्पीड से, वो इस सी पॉइंट तक पहुंचा, ठीक है. बट अब यहां पर सडनली टेंशन हो गया जीरो, तो यहां पर उसके पास एक ऐसे टेंजेंशियल स्पीड होगी वी एट सी. क्लियर? तो इसका मतलब अब उस स्पीड से क्या करने लगेगा, वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन करने लगेगा क्योंकि थ्रेड का काम खत्म हो गया, थ्रेड वहां पे बेकार हो गया. तो ये अब क्या करेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन करने लगेगा. किसी को कोई डाउट समझ आ गया अब? Yes. अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ये थीटा चाहिए. ये थीटा कितना हो जाएगा देख लेते हैं. वर्टिकल से अगर ये थीटा हमने निकाला है तो ये क्या हो जाएगा थीटा? अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, मतलब ये भी क्या होगा? थीटा. किसी को कोई डाउट कैसे ये मैंने थीटा लिख दिया है? ओके, अगर टेंशन है तो देख लो यार, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं. ये थीटा मतलब ये भी थीटा, ये थीटा मतलब ये वाला 90 माइनस थीटा, और अगर ये 90 माइनस थीटा है. हाँ शिव प्रसाद बताए, कोई डाउट? ओके गुड. तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं. और प्रोजेक्टाइल क्यों करेगा? क्योंकि टेंशन जीरो हो गया, वो क्वेश्चन थ्रेड वाला बचा ही नहीं है, इट इज जस्ट अ स्टोन थ्रोन. तो ये जस्ट हर बार एमजी नीचे लगेगा ही, तो इसलिए ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गई है. सो इट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन. तो क्वेश्चन ये पूछता है हाउ हाई इट विल गो. मोशन आफ्टरवर्ड्स मीन्स its final height from the bottom, its final height its final height from bottom. projectile का एक max निकालना. हाँ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा पहले हम एक projectile solve करेंगे. क्या? पहले एक projectile solve करेंगे जिसको किस speed से throw किया हमने? V at C से थ्रो किया है, और एंगल कितना बना के थ्रो किया है? थीटा एंगल बना के थ्रो किया है. तो पहले ये एच मैक्स निकालेंगे. बताइए एच मैक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? क्या होता है? U square theta by 2g. तो एच मैक्स देखो क्या आ जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है. U कितना आया है? gr/3. अरे समझ आया? सी पॉइंट पर स्पीड रूट जी आर बाई थ्री थी इंटू साइन थीटा. बताओ साइन थीटा कितना आया था? 2√2/3 का स्क्वायर. अरे ये याद आ रहा है ना, यहाँ पे लिख दिया था मैंने. यस सर. हाँ, अपॉन 2g.
ठीक है, तो देख लो सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, स्क्वायर करेंगे जी कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यूज आ जाएंगी 8 by 8 से 2 कैंसिल आउट होगा, मतलब 4 by 3 का स्क्वायर 9 × 27 आर। समझ आया सबको? ये हमने एच मैक्स सॉल्व कर दिया, एच टोटल कितनी हो जाएगी? 9 आएगा सर, ये 3 है ना, इससे 3 बाहर आएगा, ये 3 का स्क्वायर है, इससे 9 आएगा। हाँ, H टोटल कितना हो जाएगा? H टोटल हो जाएगा R प्लस R cos थीटा प्लस H max। समझ आया क्या? From bottom। इस तरीके से प्रोजेक्टाइल में कुछ भी पूछ सकता है। मैंने सिर्फ आपको क्या दिया है, एक आइडिया दिया है कि यहाँ पे प्रोजेक्टाइल करेगा। इसके बाद आपसे कुछ भी पूछे आप अपना सॉल्व कर सकते हैं। R प्लस कॉस थीटा कितना था? 1/3 प्लस ये कितना है? 4R/27। अपना सॉल्व कर देंगे, वैल्यू इस तरीके से कर सकते हैं। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। वेरी गुड। चलो अच्छा ऐड भी कर देते हैं, 27 प्लस 9 प्लस 4 कितना हो गया? 40/27 सो आ जाएगा 40R/27। तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की हैं, अभी हमने कोई भी रिजल्ट नहीं कंक्लूड किया है, तो आपको एक और लेक्चर चाहिए, ठीक है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मैं एक और लेक्चर लूंगा, तब आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। बट मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ, अभी के लिए आप प्रैक्टिस शीट स्टार्ट कर सकते हैं, और एटलीस्ट आप बिफोर वर्टिकल सर्कुलर मोशन, अगर मैं बात करूं वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन, हाँ ये वर्टिकल का है, मतलब एटलीस्ट 220 तक आप लोग कर सकते हैं, 220 तक क्वेश्चन कर ले, उसके बाद एक और लेक्चर कल रहेगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, उसके बाद हम पूरी प्रैक्टिस शीट डिस्कस कर लेंगे। ओके ओके देन, बाय एवरीवन। बट एक प्रैक्टिस भी करेंगे ना एक दिन और, सो इस वीक ये कंप्लीट हो जाएगा सर्कुलर मोशन। ओके बाय।